अच्छा जी, तो पेपर वर्क जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी जी आज पहली मीटिंग थी जो इस कंपनी के हेड हैं उनके साथ। तो अभी मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे, मैं फर्स्ट मीटिंग के लिए आया था। तो एज अ गिफ्ट उन्होंने मुझे कुछ करेंसी दे दी, रियाल्स। तो ये 500 रियाल्स मेरे पास, अभी यहाँ की करेंसी कोई नहीं थी। तो चलो अच्छा ये मिल गई, इससे काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। फाइनली हम लोग निकल पड़े गाड़ी में बैठ के। ये पापा हैं, आप इनसे मिले। और ये हमारे साथ मोहम्मद साबिक, इनका नाम है। ये इजिप्ट से, और ये भी हमारे साथ जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे। ये मेरे लेफ्ट साइड पे रियाद में मेट्रो जो स्टार्ट हो रही है, अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हुई, ये उसका एक स्टॉप था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम रियाद। और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल स्कॉर्पियन व्लॉग के ऊपर। अच्छा जी, तो आज हमारा है फर्स्ट डे इन सऊदी अरेबिया, पहली मॉर्निंग है सऊदी अरेबिया में। अभी जो दिन में सबसे पहला काम आज हम कर रहे हैं, आज हम आए हैं कंपनी के ऑफिस में। तो यहाँ पे जो हमें ज़रूरी काम था, यहाँ पे कुछ हमने पेपर वर्क करना था, कुछ मटेरियल था वो यहाँ से उठाना था और वो साइड पे छोड़ के आना, बस इतना सा काम है। अभी मेरा भी फर्स्ट डे है, मुझे भी चीज़ों का नहीं पता सही से। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। आज फर्स्ट डे है, तो पहला काम जो हम कर रहे हैं मैंने आपको बताया, ऑफिस आए हुए हैं और यहाँ से हमने एक सामान उठाना है और उसको साइड पे छोड़ के आना है। मटेरियल आप लोगों को दिखाता हूँ जो हम अभी छोड़ के आएंगे। तो ये जो बिल्डिंग है, ये ऑफिस की बिल्डिंग है। यहाँ पे अंदर मेरे पापा गए हैं कुछ पेपर वर्क करवाने के लिए। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे, फिर आप लोगों को साइड भी दिखाता हूँ कि हम साइड पर किस तरह काम होता है और क्या क्या मटीरियल है। तो ये रही हमारी गाड़ी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये मटीरियल पड़ा हुआ है, कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है। तो वो कंस्ट्रक्शन की साइड है, हमने जहाँ पे छोड़ के आना है। तो यार अभी सबसे पहले जैसे ही पेपर वर्क कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, मौसम को इतना चेंज हुआ नहीं है। पाकिस्तान में भी इसी तरह है, सर्दियों का मौसम है लेकिन गर्मियाँ थी, तो यहाँ पर तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा गर्मी होनी ही थी। तो अभी बस जल्दी से निकलते हैं, फिर आप लोगों को अपना अगला रूट दिखाता हूँ कि हम यहाँ से ऑफिस से डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन साइड पर किस तरह जाएँगे। तो ये है हमारी कंपनी का ऑफिस, मोहम्मद किशु कॉन्ट्रैक्टिंग। और इसी तरह इस फ्लोर पे जितने भी आप देख रहे हैं अपार्टमेंट्स हैं, ये इन सब में ऑफिसेज हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के। तो यार अभी हमारा काम बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, तो अभी इसमें मज़ीद थोड़ा टाइम लग जाना है। और ऊपर से अज़ान हो गई है, नमाज का टाइम भी हो गया है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि उतनी देर हम नमाज़ पढ़ लें, उतनी देर में हमारा ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अभी सबसे पहले बाहर निकल के मस्जिद ढूंढते हैं और फिर वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। नहीं जी, बाहर निकलते ही हमें मस्जिद का मीनार नज़र आ गया, मतलब यहाँ नज़दीकी कोई मस्जिद हमें मिल जाएगी। तो उस मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, उतनी देर में हमारा दूसरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ से निकलते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। ये लें जी, ये आ गई हमारी मस्जिद। इस एरिया में ज़्यादातर सऊदी नेशंस ही रहते हैं और पाकिस्तानी इंडियन कम नज़र आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर। अच्छा जी, तो फाइनली नमाज हमने पढ़ ली है यहाँ पर। और मस्जिद से हमें क्या मिला है, पानी की बॉटल्स मिली हैं। ये एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी है यहाँ पे, कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा गर्मी है हमें उतना पानी पीना पड़ता है, तो उतनी आसानी से हमें पानी मिल जाता है। तकरीबन हर मस्जिद के बाहर फ्रीज़र लगे हुए हैं, आप वहाँ से पानी लें पिएं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। अभी जल्दी से चलते हैं, अपना काम देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा। काफ़ी हमने वेट कर लिया, आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इन्होंने, तो उसे देखते हैं और फिर आगे का प्लान बनाते हैं। अच्छा जी, तो पेपर वर्क जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अभी पापा बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं, वो पूरी करके लेके आ रहे हैं पेपर, और फिर हमने यहाँ से निकलना है। तो मेरी जी आज पहली मीटिंग थी जो इस कंपनी के हेड हैं उनके साथ। तो मीटिंग हमारी काफ़ी अच्छी रही और मैं अराउंड 10 to 11 ईयर्स पहले मैं यहाँ पर आया था एक दफ़ा 2012 में, और तब मैं विज़िट के लिए आया था, तब मैं इनसे मिला था। तो उन्हें मेरा नाम और सारा कुछ याद था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इंट्रैक्शन में। तो अभी मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे, मैं फ़र्स्ट मीटिंग के लिए आया था। तो एज अ गिफ्ट उन्होंने मुझे कुछ करेंसी दे दी, रियाल्स। तो ये हैं 500 रियाल्स पैसा ही पैसा मेरे पास, अभी यहाँ की करेंसी कोई नहीं थी। तो चलो अच्छा ये मिल गई, इससे काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। तो यार फाइनली पापा भी आ गए और अभी हम निकलने वाले हैं आगे अपने कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। अब
भी फाइनली हम लोग निकल पड़े गाड़ी में बैठ के, ये पापा हैं आप उनसे मिले, और ये हमारे साथ मोहम्मद साबिक, उनका नाम है, ये है इजिप्ट से, और ये भी हमारे साथ जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे। तो अभी हम अपना अगला सफर शुरू कर दिया है, अभी देखते हैं हमें कितना टाइम, यहाँ से कितना टाइम लगेगा तकरीबन। अभी अच्छा, तो अभी रास्ते में हमारा एक और स्टॉप होगा, हमने बैंक इन्हें छोड़ना है और उसके बाद हम आगे अपनी कंस्ट्रक्शन साइड पे जाएंगे। तो ये बैंक पे हमने उन्हें उतार दिया है, अभी आगे हम अपनी कंस्ट्रक्शन साइड पे चलते हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे रियाद में मेट्रो जो स्टार्ट हो रही है, अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हुई, ये उसका एक स्टॉप था। और ये सेम उसी तरह जिस तरह लाहौर में हमारे मेट्रो ट्रेन, उसी तरह यहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी आ रही है और मेट्रो बस भी देखेंगे हम। और जो इसका रूट है बस का और ट्रेन का, ये रोड के सेंटर में उसी तरह ये आप देख सकते हैं मेट्रो जा भी रही। और रियाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी है, जगह जगह पे हमें रुकना पड़ रहा है, टाइम हमारा पहले ही बहुत ज़्यादा लग गया वहाँ पे, अभी यहाँ पे मजीद लग रहा है। ये ट्रैफिक आप लोग देखें, जी हमारी लेफ्ट साइड पे है सऊदीया का पुराना रियाद का एयरपोर्ट, पूरा एयरपोर्ट ख़त्म करके यहाँ पे एक पार्क बन रहा है। तो ये जी एयरपोर्ट ख़त्म करके पार्क बन रहा है, तो ये काम तो सिर्फ सऊदी ही कर सकते हैं। तो पार्क जो है, पार्क के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बता दूँ कि पार्क सुनने में आया कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क बन रहा है, और इस एक पार्क के अंदर तकरीबन रेलवे स्टेशन भी होंगे, और पांच रेलवे स्टेशन होंगे इसी पार्क के अंदर, इतना बड़ा पार्क है, और 14 बस स्टॉप भी इसी पार्क के अंदर होंगे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क यहाँ पे बनता है। फाइनली हम पहुंच गए कंस्ट्रक्शन साइड पे, और आप लोग देख सकते हैं एयरपोर्ट का हाल क्या है ना। यहाँ पे मैं बहुत कम शॉट बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो इस वजह से सिर्फ इतना ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यार अभी हम पहुँच गए हैं, ये है सेकंड बेसमेंट, और यहाँ पे वहाँ आगे हमारा काम चल रहा है, और यहाँ पे अभी हम सामान उतारने वाले हैं अभी। तो ये जो सामान एपॉक्सी के पड़े हैं बॉक्सेस, ये सारे अपने पड़े हैं, इधर ही दूसरा सामान उतार के फिर निकल जाएंगे आगे। अच्छा, तो यार फाइनली हम लोग पहुंच गए साइड पे, यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था ऊपर, अभी तो हम बेसमेंट में हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, तो मैं फिर बना रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। तो ऊपर मैं नहीं बना सका, कुछ शॉट्स मैंने लिए, आपको थोड़ा सा दिखाया था कि पूरे एयरपोर्ट का इन्होंने हाल क्या की है। और तो ये मेरे पीछे आप सारी देख सकते हैं, ये सारी बेसमेंट है, और ये सेकंड बेसमेंट है, एक बेसमेंट इसके ऊपर भी थी, और उसके ऊपर फिर ग्राउंड फ्लोर आता है जहाँ पे बाकी काम चल रहा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से कि यहाँ पे हमारा सामान अनलोड हो रहा है, तो ये गाड़ी है हमारी, यहाँ पे सामान अनलोड करते हैं और इसके बाद फिर वापस निकलते हैं जल्दी से। अच्छा जी, तो हमने एक साइड से अपना काम ख़त्म किया, उसके बाद हम निकल के आ गए हैं दूसरी साइड पे, और ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये कोई होटल बन रहा है, और दूसरी साइड ये है कुछ लेबर यहाँ पे काम कर रही है। तो अभी सीन इस तरह है कि उनकी ऑफ टाइम हो गया है, उनकी छुट्टी का टाइम है, तो हम लोग आए उन्हें रिसीव करने के लिए, पापा गए उन्हें रिसीव करने के लिए, और मुझे लगी है भूख, तो मुझे सामने नज़र आया अल्बेद। आए, तो अल्बेग पे भी चलते हैं और अपने लिए कुछ खाने के लिए लेते हैं। हाँ जी, तो फाइनली ऑर्डर हमने अपना ले लिया है, और अभी मैं जा रहा हूँ उसी साइड की तरफ, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठते हैं और थोड़ा सा खाना खाते हैं, क्योंकि खाने का टाइम काफ़ी लेट कर दिया मैंने। तो
अभी 3 बजे तकरीबन वहाँ से जो लेबर है उन्हें छुट्टी हो जाएगी, तो फिर हमें बस उन्हें लेके निकलना है, घर की तरफ वापस चलेंगे। अभी बस रोड क्रॉस करते हैं देख के, और वो सामने पार्किंग में गाड़ी खड़ी है वहाँ पे चलते हैं। तो यार सुबह से यहाँ पे बहुत ख़राब किस्म की गर्मी थी, अभी जैसे ही शाम का टाइम हो रहा है तो मौसम कुछ ठीक हो गया, तो अभी कुछ गुजारा कर रहा है, लेकिन सुबह से बहुत ख़राब हालत हो गई थी यहाँ पे। तो यार फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होम टाउन, जो यहाँ का होम टाउन है, जहाँ पे हमारा घर है, जहाँ पे अपार्टमेंट है। अभी जो एरिया मैंने आपको बताया अलशमेसी, ये ऐसा एरिया रियाद का जहाँ पे आपको ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश, हमारे रीजन के लोग ज़्यादातर मिल जाते हैं। जो भी लेबर यहाँ पे काम करती है सऊदी अरेबिया में, स्पेशली जो रियाद में है, वो इसी अलशमेसी के एरिया में रहते हैं। तो मैं ये एरिया भी आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आप लोगों को ये एरिया दिखाऊँगा। तो जी ये अलशमेसी का एरिया, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पार्किंग की जगह ढूँढना वो सबसे मुश्किल काम है। तो आप लोगों को इस साइड से भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को लंबी लाइनें नज़र आएंगी गाड़ियों की। तो ये एरिया ज़्यादातर मशहूर है हमारे रीजन के लोगों के लिए, तो यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं आपको ऑलमोस्ट सारी पाकिस्तानी चीज़ें भी यहाँ से मिल जाती हैं। तो सारे काम तकरीबन कंप्लीट हो गए, हम सुबह 10 बजे तकरीबन निकले थे और अभी का टाइम हो गया 4:30, 4:30 बजे यहाँ पर पहुँचे। तो अभी जो भी लेबर थी, जो भी बंदे आए थे काम से, तो उन्हें हमने छोड़ दिया अपार्टमेंट में, और अभी यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, रेस्ट करते हैं और फिर हम देखेंगे कि अगला काम हमने क्या करना है। आज हमने मेडिकल भी करवाना था, क्योंकि अभी हमारा पहला जो स्टेप होगा यहाँ पे काम करने का, हमने सबसे पहले अपना इकामा लेना है। तो इकामा लेने के लिए जो पहला स्टेप है वो है हमें अपना मेडिकल करवाना पड़ता है, तो इसके बाद वो करवाना है। अभी अपार्टमेंट में चलते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं और उसके बाद निकलेंगे। तो ये गली है जिसमें हमारा अपार्टमेंट है, इसके कॉर्नर पे हमें एक दुकान मिल जाती है, शॉप है, बकाला भी कहते हैं इसे यहाँ पे आम जुबान में। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे वाला अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट का कंप्लीट टूर आपको फिर किसी वीडियो में कराऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी यार आलमोस्ट मगरिब का टाइम हो चुका है यहाँ पर, आप लोग देखते हैं हल्का हल्का अंधेरा हो गया शाम का टाइम है। तो अभी हम निकल चुके हैं थोड़ी रेस्ट करने के बाद मेडिकल करवाने के लिए। तो मेडिकल जिस ऑफिस में होना है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने सोचा कि पैदल चलते हैं और थोड़ा सा विज़िट भी कर लेंगे इस एरिया को। तो इसके साथ साथ पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं और आप लोगों को भी ये एरिया दिखाते हैं। तो यार अभी हमने टैक्सी ले ली है, सफ़र शायद थोड़ा सा लंबा है। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप? तो अभी टैक्सी में बैठते हैं और निकलते हैं अगले सफ़र पर। तो यार ये आपने लेबॉर्टरी देखी है, इस लेबॉर्टरी से हमने अपना मेडिकल करवा लिया, और मेडिकल करने के बाद हमें एक स्लिप मिल गई है, सुबह कल शाम तक हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो अगला प्रोसीजर होगा इकामा के लिए मैं आपको वो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यार ये था आज का लास्ट काम, आज का दिन काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी सारे काम किए हैं, तो आज का ये लास्ट काम था। अभी बस कुछ खाएंगे और फिर घर जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह कल मैं एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तो अभी बस करते हैं ये व्लॉग, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।